हेलो एवरीवन वेलकम बैक और आज मैं कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाली आज मैंने आप सबके लिए नोट्स बनाए हैं डाइसिंग और सीक्वल टू डाइसिंग का इसका जो फुल हिंदी में समरी है वो मैं ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुकी हूँ और उसी के कमेंट में बहुतों ने मेरे को रिक्वेस्ट करा है कि मैं इस टॉपिक के रिटर्न नोट्स बताऊँ एंड जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा उनको उस वीडियो का लिंक समरी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे समरी वाले वीडियो में मैंने कैरेक्टर्स को लेके कुछ डिस्कस नहीं करा था डायरेक्ट मैंने फुल हिंदी की समरी दी है तो इसमें मैं आपको पहले कैरेक्टर बता देती हूँ कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे धृतराष्ट्र की जो बीवी है गांधारी इन दोनों के सौ बेटे हुए जो कौरव कहलाए कौरव के डाइसिंग में जो दो मेन भाई है वो है दुर्योधन और दुशासन इनके जो मामा हैं उनका नाम है शकुनी और विदुर जो है जो धृतराष्ट्र को हर चीज के बारे में बताते हैं क्योंकि वो अंधे होते हैं विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के हाफ ब्रदर है अब हम आते हैं पांडव पे पांडु की दो बीवी थी कुंती और माद्री कुंती से उनको अर्जुन भीम और युधिष्ठिर हुआ और माद्री से नकुल और सहदेव सह माद्री के जाने के बाद कुंती ने पांचों को अपना बेटा बनाकर ही पाला और इन पांचों भाइयों की एक ही बीवी थी जिसका नाम था द्रौपदी अब मैं आ जाती हूँ नोट्स पे सो so, यहाँ पे मैं आपको हर एक पॉइंट का एक ओवरव्यू बता दूंगी बट बत मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इस पूरे डाइसिंग और सीक्वल टू डाइसिंग को इन नोट्स में एक्सप्लेन कर दिया है पहला तो है वाई डिड डाइसिंग गेम हैपन फर्स्ट पॉइंट पे मैंने ये बताया है कि कैसे कौरवों ने पांडवों को रहने के लिए एक खाली एरिया दिया था खांडव नाम था उस एरिया का सेकेंड पॉइंट में मैंने दिया है कैसे पांडवों ने मायासुर के हेल्प से खांडव को इंद्रप्रस्थ में बदला और अपना मायावी महल बनाया इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है इसमें मैंने लिखा है कि कैसे पांडवों ने पूजा और हवन रखवाई और वहाँ पे आसपास के सब राज्यों में इनविटेशन भेजा और कौरवों को भी इनविटेशन भेजा अब आते हैं नेक्स्ट वो है एट द पैलेस ऑफ पांडवास कि पांडवों के महल में क्या क्या हुआ इसमें जो पॉइंट है इसमें मैंने लिखा है कि दुर्योधन बहुत शौक रह गया था जब वो इंद्रप्रस्थ आया उसको अपनी आँखों में बिलीव नहीं हुआ इस पॉइंट में है कि कैसे दुर्योधन जब अपने महल से निकलने लगा तो वो पानी में जा गिरा मतलब जो ग्लास फ्लोर था वो पानी के पूल में बदल गया और वो उसमें गिर गया इस वाले पॉइंट में है कि जितने भी लोग वहाँ पे थे वो दुर्योधन पे हंसने लग गए द्रौपदी और भीम भी उस पर हंसने लग गए इस वाले पॉइंट में है कि दुर्योधन कैसे अपने आप को बहुत ही इंसल्टेड फील कर रहा फिर आते हैं पॉइंट पे आफ्टर रीचिंग हस्तिनापुर हस हस्तिन। दुर्योधन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसके जो मामा थे शकुनी वो अपने भांजे को इस हालत में नहीं देख पा रहे थे और उन्होंने अपने मन ही मन में एक बदला लेने का एक प्लान बना लिया फिर हम आते हैं रिवेंज प्लान रिवेंज प्लान में क्या हुआ था कि शकुनी ने शकुनी को पता था कि युधिष्ठिर की बहुत बड़ी कमज़ोरी है गैम्बलिंग जुआ खेलना और शकुनी ख़ुद भी एक फ़ेमस प्लेयर था डाइसिंग का तो उसने दुर्योधन के साथ मिलकर सोचा कि वो एक डाइसिंग का गेम रखवाएंगे बदला लेने के लिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है इनविटेशन फॉर डाइसिंग गेम तो जो विदुर, तो विदुर को भेजा गया इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर को इनवाइट करने के लिए गैम्बलिंग के लिए और युधिष्ठिर उस डाइस गेम को खेलने के लिए मान गया वहां पे आने के बाद मतलब धृतराष्ट्र को विदुर ने वार्निंग भी दी थी कि किसी ने भी उसकी वार्निंग नहीं सुनी अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है सीक्रेट बिहाइंड शकुनीज डाइस शकुनी के डाइस के पीछे भी एक कहानी है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था उस वीडियो में कि कैसे अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है गेम ऑफ डाइस तो पांडव हस्तिनापुर आते हैं और गेम ऑफ डाइस खेला जाता है और शकुनी युधिष्ठिर के अगेंस्ट में बैठता है डाइसिंग गेम के लिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं वो है युधिष्ठिर लूजेज़ वन बाय वन जो कि मैंने बताया था कि युधिष्ठिर एक एक करके अपनी अपने जितना भी वेल्थ है ज्वेलरी है सबको स्टेक पे लगाना शुरू कर देता है ये बताया मैंने इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे मैंने बताया कैसे उसने नकुल और सहदेव को स्टेक पे लगाया था उनको भी वो हार गया था इस वाले पॉइंट पे मैंने बताया है कि जब शकुनी के उकसाने पे उसने अपने अर्जुन भीम इन भाइयों को भी लगा दिया और अपने आप को भी लगा दिया और कैसे वो अपने आप को भी हार गया और वो लोग कौरवों के दास बन गए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे डाइसिंग गेम का बहुत मेन पार्ट जो कि है द्रौपदी एट स्टेक यहाँ पे हम बताएंगे दुर्योधन को बहुत खुशी हो रहा था जब पांडवों की बेस्ती होते हुए देख रहा था उसके बाद दुर्योधन अपनी बीवी को भी स्टेक पे लगाता है जिस वजह से मजबूरन युधिष्ठिर को भी द्रौपदी को स्टेक पे लगाना पड़ता है और वो द्रौपदी को भी हार जाता है इसके बाद वाले पॉइंट में है आफ्टर लूजिंग द्रौपदी जब वो द्रौपदी को हार जाता है तो दुर्योधन ऑर्डर करता है अपने ही भाई दुशासन को कि तुम जाओ और द्रौपदी को इस कोर्ट में घसीट कर लेकर आओ उसके बाद आता है द्रौपदी का रिएक्शन तो द्रौपदी जब आती है तो वो पूछती है कि मेरे को कोई दाव पे कैसे लगा सकता है क्योंकि जब मेरे खुद के पति उनके दास बन चुके दास की इतनी औकात नहीं होती कि वो राजा के साथ बैठ के खेले या अपनी बीवी को स्टेक पे लगाए यहाँ पे द्रौपदी के सपोर्ट में दुर्योधन का ही भाई कौरवों का ही एक भाई विकर्ण आता है द्रौपदी के सपोर्ट में बट दुर्योधन उसको चुप करवा देता है ये पॉइंट भी मैंने इसमें मेंशन किया है उसके बाद आते हैं द्रौपदीज़ वस्त्रहरण तो वो सबको ही पता है कैसे दुशासन दुर्योधन ने पहले द्रौपदी को इन्वाइट किया था कि उसके थाई पे आके बैठे पर द्रौपदी ने मना कर दिया और उसके बाद गुस्साए दुर्योधन ने दुशासन को ऑर्डर दिया कि तुम इसका वस्त्र हरण करो सबके सामने क्योंकि द्रौपदी के ऊपर श्री कृष्ण का आशीर्वाद था और वो खुद एक डिवाइन ग्रेस थी तो जितना ही दुशासन उसका चीरहरन करे बट उनका कपड़ा ख़त्म ही नहीं हो रहा था एंड में दुशासन थक गया पर द्रौपदी के शरीर से एक भी कपड़ा नहीं गिरा उसके बाद आते हैं भीम्स ओथ भीम ने जो कसम खाई पांडव बहुत शौक में थे वो कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि वो सब कुछ हार चुके थे बट भीम को इतना गुस्सा आया कि भीम वहाँ पे खड़ा हुआ और सबके सामने उसने कसम खाई या है अनदर डाइस गेम आता है नेक्स्ट टॉपिक कि उसके बाद भी शकुनी नहीं माना और उसने धृतराष्ट्र से मतलब रिक्वेस्ट करा कि आप मुझे एक लास्ट डाइसिंग का गेम करने दो ये बताया मैंने और लास्ट डाइसिंग के गेम में कंडीशन रखी गई कि अगर पांडव हार गए तो उनको बारह वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ेगा और एक वर्ष उनका थर्टींथ ईयर होगा उनको डिसगाइस में रहना पड़ेगा अगर किसी भी कौरव ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया तो इनको फिर से रिपीट करना पड़ेगा ये सब चीज़ और इवेंचुअली पांडव हार गए क्योंकि ऑब्वियसली बात है शकुनी का डाइस हमेशा उसके फेवर में ही आंसर देता था पांडव हार गए और उनको वनवास में जाना पड़ गया बट अब हम आ जाते हैं सीक्वल टू डाइसिंग सीक्वल टू डाइसिंग मैंने आपको पहले ही बोला है किसी इवेंट का रिजल्ट हम बोलते हैं सीक्वल टू डाइसिंग वो तो हम सबको पता ही है महाभारत के युद्ध में क्या हुआ विदउंड का जो वार्निंग था वो सच हो गया मैंने ये बताया इस पॉइंट में इस पॉइंट में बताया है कि कौरवों को कॉन्सिक्वेंसेज फेस करना पड़ा गांधारी को याद आने लगा दुर्योधन जब पैदा होने वाला था तब तो पूरा क्या हो गया था हर तरफ इसमें बताया है कि महाभारत के युद्ध में भीम ने अपनी कसम पूरी की और सीक्वल टू डाइसिंग पूरा हुआ कौरवों के एंड से तो आई होप आपको ये नोट्स ईजी लगे सिंपल लगे एंड आप लोगों को ये हेल्प हो एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करा था इन नोट्स के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और समरी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करके आप लोग समरी देख लेना